HR न्यूज यूट्यूब चैनल, जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। देखिए, आपको बता दें कि मानसून आने से पूर्व रेवाड़ी जिला उपायुक्त ने पूरे शहर का दौरा करके तमाम विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि मानसून के वक्त जो बारिश आएगी उस पानी की निकासी के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। मगर एक बार फिर अफसोस की बात है कि मानसून लगते ही जो आज पहली बारिश आई, एचआर न्यूज ने भी तमाम शहर भर के लोगों से अपील की थी कि अपने अपने क्षेत्रों से हमें तस्वीर भेजे जहां पानी इकट्ठा हुआ है बरसात का। तमाम लोगों ने हमें तस्वीरें भेजी। पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं रेवाड़ी के ब्रास मार्केट की, जो कि एक कॉमर्शियल मार्केट है और सबसे महंगा और बेस्ट कीमती मार्केट है। तमाम यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े शोरूम यहाँ खुले हुए हैं। इसकी आप तस्वीर देखिए और हालात देखिए। यहाँ के लोगों ने हमें यहाँ की तस्वीर भेजी है ब्रास मार्केट की। आप ब्रास मार्केट के हालात देखिए किस तरीके के हैं। और कहीं ना कहीं विभागों के जो दावे थे या प्रशासन के जो दावे थे, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धराशायी हो गए हैं। संबंधित विभाग ने बरसात आने से पूर्व कोई पानी निकासी के इंतजाम नहीं किए, जिसका खामियाजा यहाँ आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बताएं, सीधा सीधा कहीं ना कहीं संबंधित विभागों ने जो है जिला उपायुक्त के आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया। कहीं ना कहीं वो लापरवाह अधिकारी अपने काम में पूरी तरीके से कोताही बरते हुए हैं, क्योंकि जिला उपायुक्त ने सख्त आदेश दिए थे कि पानी निकासी के बंदोबस्त पुख्ता होने चाहिए। कहीं ना कहीं जिला उपायुक्त के आदेशों को भी दरकिनार पूरी तरीके से कर दिया गया। ये स्थिति एक जगह की हमने आपको दिखाई, क्योंकि ब्रास मार्केट एक बहुत कीमती मार्केट है। यह तमाम जो आपको बार बार हम इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि यह खुले हुए बड़े बड़े शोरूम, हाई प्रोफाइल ये मार्केट है। तमाम शहर भर के लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं। रेडीमेड के बड़े बड़े एक्सक्लूसिव या शोरूम खुले हुए हैं। तमाम शोरूमों की कीमत जो करोड़ों के अंदर है, मगर व्यवस्था के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जीरो है। पानी देख करके आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके के संबंधित विभाग ने यहाँ पानी की निकासी के इंतजाम किए। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं रामपुरा रोड के ऊपर। रामपुरा में आप देखिए किस तरीके से छोटे छोटे स्कूली बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान हो रहे हैं। तमाम गलियों में पानी भरा पड़ा है। पानी की निकासी के यहाँ भी तमाम दावे पूरी तरीके से फेल हुए। ऐसा शहर का शायद ही कोई कोना बचा हो। तमाम एचआर न्यूज ने भी लगातार पूरे शहर की कवरेज की। तमाम आपको हॉस्पिटल के हालात दिखाए, इससे ब्रांच मार्केट के हालात आपको दिखाए, मॉडल टाउन के हालात दिखाए, आपको बस स्टैंड के हालात दिखाए, तमाम जगह से। और तो और आपको बता दें, जानकारी के लिए सबसे बड़ी अच्छी खबर ये है कि तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है, डीपीआर विभाग, उन्होंने भी स्वयं हमें अपनी तस्वीरें भेजी है जहां जहां पानी इकट्ठा हुआ है। दिल्ली रोड का उन्होंने हमें तस्वीर भेजी कि मोहल्ला जी देखिए किस तरीके के इंतजाम है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी जो मानसून की बारिश को लेकर के उत्साहित है कि मानसून आएगा और उसका हम सावन के महीने में आनंद लेंगे, क्योंकि सावन का महीना भी लग चुका है। हर इंसान यानी कि शहर का हर बासिंदा ये सोचता था कि सावन के महीने में पूरा आनंद लिया जाएगा, हरियाली कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी, बारिश का मौसम हो जाएगा, घर में चाट पकौड़ा ये खाएंगे, आराम से इंजॉय लेंगे। वो इंजॉय कहीं ना कहीं किरकिरा हुआ है। सड़कों में चारों तरफ पानी, गलियों में पानी, मोहल्लों में पानी, हॉस्पिटल में पानी, ये व्यवस्था बताती है कि अधिकारियों ने जिला उपायुक्त के आदेशों को कहीं ना कहीं गंभीरता से नहीं लिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि कुंडली मार के जो अधिकारी बैठे हैं कई महीनों से, कई दशकों से यहाँ, वो चाहते ही नहीं है कि शहर का किसी तरीके से कोई विकास हो। ये स्थिति इसी चीज को दर्शाती है। हालांकि जिला उपायुक्त ने स्वयं अपने स्तर पर दौरा किया था, तमाम जगह व्यवस्था बनाने के लिए बोला था, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। ये स्थिति इस शहर की है जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। आम आदमी इस चीज को लेकर के बेहद परेशान है। सफाई व्यवस्था हो या कुछ भी हो, किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि जब भी अधिकारियों से बात की जाती है, वो अपनी पीठ थपथपाते हैं। जिला उपायुक्त के आदेशों को बार बार दरकिनार करना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि तमाम विभागों के जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं लापरवाह हो गए हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज, रेवाड़ी।